तो दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे दो दो पॉइंट्स मिले हैं। आपको वैसे पता है होगा कि मैं यहाँ बर्फ़ देखने आई हूँ, अभी चहल की रोड में आया है और आप जानते हैं मेरी सांस फूल रही है क्योंकि अभी मैंने यहाँ से पूरा चढ़ के दौड़ के आई हूँ। और आप देख सकते हैं वहाँ पे पहाड़ है बड़े बड़े और मुझे डर लग रहा है कि ये मुझे अपने ऊपर मिट्टी ना आ जाए मेरे ऊपर क्योंकि मैं नहा धो के आई हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लांट्स, यहाँ मतलब पहाड़ तोड़ा गया है इसलिए यहाँ प्लांट्स की जो रूट्स है ना तो वो दिख रही है यहाँ से, मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके, इसलिए ज़्यादा से यहाँ पे कैक्टस बन जाते हैं। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे कि वो कोनीफेरस ट्रीज़ है, तो आपको जैसे पता होगा कि कोनीफेरस ट्रीज़ हम लोगों को पाइन देते हैं, तो मैं वही पाइन इकट्ठा कर रही हूँ और मुझे दो मिल गए थे और अभी मुझे गाड़ी में भी रखे हुए हैं मेरे पास दो, और एक तो बिल्कुल अच्छा बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पाइन ट्रीज़ हैं। और आपको जैसे पता होगा हम लोग चहल में है एक, अभी हम लोग बस घूम रहे थे और अब तो अभी हम लोग नागली गांव के नागली गांव में है। मैंने जैसे आपको पहले बताया होगा वहाँ चहल में हम लोग बस रोड में टहल रहे थे, तो मैंने पाइन से इकट्ठा करने मुझे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कितने सारे पाइन के ट्रीज़ है। और जैसे आपको पता होगा कि नहीं, पर मुझे पता नहीं है कि आपको पता है कि नहीं, कि जो पाइन जो छोटे वाले हैं ना वो अंदर से गोंद छोड़ते हैं और पता नहीं कैसी गोंद होती है, वो हटती नहीं है हाथ से। मैंने मेरी कल चिपक गई थी, वो हटी नहीं रही थी, पर यहाँ पे यहाँ दो चिपकी थी, अभी भी होना चाहिए यहाँ पे, और मैंने बहुत हाथ धुला तब जाके हुआ। और आप वहाँ देख सकते हैं ये जो पहाड़ तोड़े गए हैं ना, यहाँ पे काफ़ी सारी लेयर्स है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अरे डर लग रहा है चढ़ते हुए, यहाँ फिसलता बहुत है, मैंने इसलिए जूते पहने हुए हैं, स्लीपर नहीं। तो आप देख सकते हैं ये एक पत्थर की लेयर है, मैंने जो जिसको तोड़ दिया है, ये एक पत्थर की लेयर है और इसके अंदर से मिट्टी की लेयर है, उसके अंदर से जैसे आपने अपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, अपने जब आप छोटे हो गए तब आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि यहाँ मतलब सॉइल में भी काफ़ी सारी लेयर्स होती है, पर पहाड़ में भी मैंने देखा लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले तो पहाड़ तो पहले सबसे पहले पत्थर से ही बने होते हैं, तो ये स्टार्टिंग की लेयर पत्थर से बनी है, जब तोड़े गए तो अंदर से मिट्टी निकली आप देख सकते हैं, और अंदर फिर से छोटे छोटे रॉक्स जो है वो है, और बिल्कुल अंदर बड़े बड़े रॉक्स होंगे, जो पहले बड़े बड़े रॉक्स जब छोटे हो जाते हैं फिर मतलब घिस घिस के अंदर छोटे हो जाते हैं, फिर छोटे होके सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर बाहर की लेयर फॉर्म कर देते हैं। तो इनको बहुत साल लगते हैं होने में, कम से कम 100-200 साल लग जाते हैं ऐसे फॉर्म होने में। और मैंने पहली बार देखे ऐसे पहाड़ तोड़ते हुए, वैसे मैं आई थी यहाँ बहुत दिनों पहले, मतलब काफ़ी साल पहले यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी थी पर कोई ग्रीनरी नहीं दिख रही, पहाड़ ही तोड़ दिए गए हैं। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी चल के। तो दोस्तों अभी मैं बताती हूँ हम लोग रुके कहाँ हुए हैं, तो हम लोग रुके हुए हैं मतलब मैं पूरा एक्सप्रेशन देख के बताऊँगी, इसका मतलब अच्छा व्यू, और अभी क्या बताऊँगा, अच्छा ब्लैक का अपोजिट क्या होता है, ब्लैक का वाइट होता है ना, तो अपनी दीवारें वाइट हैं। और अभी दिखाती हूँ मैं दौड़ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारा जो होटल है वहाँ पे काफ़ी स्पेस है, इसलिए वहाँ आराम से दौड़ सकता है। तो मैं बताती हूँ, वो आप वाइट कलर का घर जैसा देख सकते हैं ना, हट जैसा, वही हमारा होटल है, हमारी कोई बिल्डिंग में नहीं है। और इसका व्यू बहुत अच्छा आता है क्योंकि हम जो होटल है वो यहाँ से है और जो उसकी बालकनी भी है उसमें, तो उसकी बालकनी थोड़ी सी दूर है, उसमें पहाड़ बहुत दिखते हैं, मैंने जैसे आपको दिखाया होगा पहली वीडियो में, और यहाँ पे बर्फ़ भी गिरी हुई है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पापा के ऊपर अभी स्नो फाइट खेली थी, आप जानती हैं मैं बर्फ़ के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। वो मेरा होटल तीन हट वाला, और यहाँ पे बर्फ गिरी हुई है जो मतलब टूट नहीं रही है, टूट गई। तो पापा के ऊपर मैं कुछ करूँगी नहीं, अभी आप देख सकते हैं ठंडी है बहुत बर्फ, नहीं तो ये अभी ये लो, नहीं नहीं
बहुत ठंडी हो रही है, देखे जैसी जैसी यहाँ पे बर्फ छूते है बिल्कुल लाल हो जाते हैं यार, मुझसे टूट नहीं रही थी वैसे। यहाँ पे काफी मतलब थोड़े दिनों पहले बर्फ गिरी थी पर अभी तक मेल्ट नहीं हुई है, क्योंकि रात में इसका जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल तब जैसा वैसा टेम्परेचर होता है जैसे यहाँ बर्फ गिरी हो, तो फ्रीज़र मतलब जान लीजिए आइस कैसे वो फ्रीज होती है वैसी हो जाता है, बस धूप में थोड़ा सा गीला हो जाता है। और जहाँ पहाड़ पे बर्फ़ गिरी हुई है वहाँ पे जब धूप आती है तब वो नीचे होता है ना, तो हम लोग जिस रोड पे पहले गए हुए थे जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ थी वहाँ हर रोड गीली थी, तो वहाँ ब्रेक भी नहीं लग रहे थे, तो धीरे चलानी पड़ रही थी गाड़ी। तो दोस्तों अभी मैं आपको और बताती रहूँगी, और मैं पाइंस की बहुत बड़ी शौकीन हूँ इसलिए हम लोग चल रहे हैं। मैंने ज़बरदस्ती पापा को लाया कि चलो पापा मुझे देखना है, और मेरी नानी और मम्मी भी आए हुए हैं, वो चले गए हमको छोड़ के, अब मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, मुझे दौड़ के वहाँ जाना है। तो अभी के लिए बाय बाय, और अभी आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बचा है इसलिए अभी बाय बाय नहीं हुआ। चलो 5 सेकंड दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 कर दिया होगा तीनों, क्योंकि 2 सेकंड एक्स्ट्रा मिले हैं। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।